नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज में। आज से हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, सरकारी विज्ञापन नीति पर उठे सवाल, जो हर शाम 6 बजे आपको पब्लिकेशन के चैनल पर देखने को मिलेगी। इस सीरीज में हम आपको बताएंगे अलग अलग राज्यों की विज्ञापन नीति के बारे में, साथ ही उन नीतियों का कितना उपयोग और दुरुपयोग हो रहा है, ये भी चर्चा का विषय रहेगा। आइए स्वागत करते हैं 25 साल से जर्नलिज्म और मीडिया इंडस्ट्री में रह चुके मुकेश जी का। मुकेश जी, स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज़ में। धन्यवाद स्वाति, बहुत अच्छी आप एक सीरीज लेके आ रहे हो। इससे लाखों अखबारों को लाभ मिलेगा और लोगों को पता चलेगा कि कैसे सरकार इसका उपयोग करती है और कितना इसका दुरुपयोग करती है। आप सभी से मेरा निवेदन है, इस सीरीज को जरूर देखें और सर्कुलेट करें अपने नेटवर्क में, जिससे लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। ये लड़ाई हमारी नहीं, आपकी भी लड़ाई है और सरकार से एक ऐसे मामले की लड़ाई है जिसमें करोड़ों अरबों रुपये का खेल होता है। उस खेल का उजागर करेंगे हम पब्लिकेशन के माध्यम से। तो मुकेश जी, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, सीरीज के पहले एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए, मेरा पहला सवाल है कि ये क्या नीति है, ये सरकारी विज्ञापन नीति आखिर है क्या? स्वाति, सरकारी विज्ञापन नीति है सरकार अपनी योजनाओं को, जो सरकार की योजनाएं चल रही होती हैं, लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल मीडिया में और अन्य माध्यमों से उस योजना को लोगों तक पहुंचाती है और उसी को लेकर एक पॉलिसी हर 2-4 साल बाद चेंज करके बनाती है। उसको नाम देते हैं विज्ञापन नीति का। तो ये जो विज्ञापन नीति बनाती है सरकार, इसका कितना उपयोग और कितना दुरुपयोग होता है? बड़ा अच्छा सवाल है स्वाति तुम्हारा। उपयोग और दुरुपयोग, ये एक ऐसा सवाल है कि मतलब इसका सही जवाब देने में लोग कतराते हैं, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सही और उपयोग और दुरुपयोग के बारे में बताएंगे। उपयोग होता है जो जनहित में लोगों की योजनाएं जाती हैं और उन योजनाओं का लोगों को लाभ मिलता है, उसको पढ़ के वो उस योजना का लाभ उठाते हैं, वो उपयोग होता है। दुरुपयोग होता है कि योजनाओं का लोगों तक लाभ नहीं पहुंचता, वो कुछ ही सीमित संसाधनों में सिमट कर रह जाता है। एक और सवाल, ये एडिटोरियल विज्ञापन, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला सवाल है। एडिटोरियल विज्ञापन, स्वाति, जब ये विज्ञापन एडिटोरियल का शुरुआत करी गई थी तो बड़े हैरान हो गए थे। उस समय मीडिया जगत में एक नई क्रांति आई थी, यार एडिटोरियल विज्ञापन है क्या। इस पे अगर मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। एडिटोरियल विज्ञापन के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा आपको कि जो खबरों के माध्यम से हम सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाते हैं उसको एडिटोरियल विज्ञापन कहते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि वो न्यूज़ है, लेकिन होता वो विज्ञापन है। तो मुकेश जी, इस चर्चा को आगे ले जाते हुए हमारा एपिसोड के आज पहला राज्य है देश की राजधानी दिल्ली। सो दिल्ली की विज्ञापन नीति क्या कहती है, इसके बारे में जरा थोड़ा प्रकाश डालें। स्वाति, दिल्ली की विज्ञापन नीति मैं पिछले 2001 या 2 की बात बताऊं, तब से चले आ रही है। शीला दीक्षित जी की सरकार थी दिल्ली में और विज्ञापन नीति कई बार बदली बनी। शीला दीक्षित ने, स्वाति, इसको 3 कैटेगरी में बांटा था विज्ञापन नीति को, स्मॉल, मीडियम और बिग। उनका पर्पस था कि जितने भी अखबार हैं दिल्ली के, दिल्ली राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों को उसका लाभ मिले और लोगों तक योजनाएं पहुंचे। तो एक मीडियम, स्मॉल और बिग 3 कैटेगरी में विज्ञापन नीति को बांटा। अब उसका विज्ञापन का जो इस्तेमाल था वो सही था या गलत था, उस समय स्वाति लगभग 80-85% जो है विज्ञापन नीति ठीक तरह से फॉलो होती थी। मीडियम विज्ञापन मिलता था अखबारों को, स्मॉल को मिलता था और बिग को मिलता था, लेकिन जो आज विज्ञापन नीति है स्वाति, थोड़ा परिवर्तन हुआ है। मीडियम, बिग, स्मॉल अखबारों को और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो मीडियम और स्मॉल है उनको कम विज्ञापन जाता है और बिग न्यूज़पेपर को ज़्यादा जाता है। अच्छा, हाँ। पॉलिसी क्या कहती है कि जो भी राज्य है वो अपने स्टेट में ही उसकी पब्लिसिटी करे, लेकिन उसका दुरुपयोग जो हो रहा है स्वाति, वो ये हो रहा है कि वो विज्ञापन जो है अपने राज्य में कम, दूसरे राज्यों में ज्यादा छपते हैं, वहां के जो अखबार है वो ठगा महसूस करते हैं अपने आप को।
तो उसका उपयोग कहाँ होता है? जैसे सपोज करो उसका कि दिल्ली राज्य है, दिल्ली में जितने भी अखबार हैं, चैनल हैं, वो उनको विज्ञापन जाना चाहिए, उनको विज्ञापन नहीं मिलता, दूसरे स्टेटों के अखबारों को विज्ञापन दिया जाता है, बड़े पैमाने पे दिया जाता है। इतना बड़ा खेल करती सरकार क्यों कर दिया? क्योंकि उस विज्ञापन से वो दूसरे राज्यों को ये बताना चाहती है कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है दिल्ली में, आप जो हमें विज्ञापन दो। अपने राज्य में तो कर नहीं रहे हैं, दूसरे राज्यों को बता रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जबकि अपने राज्यों को तो पता ही नहीं होता, उनकी स्कीमें तो गायब हो जाती हैं, सरकारी योजनाएं गायब हो जाती हैं, जो छोटे छोटे गली मोहल्लों से अखबार निकलते हैं, जो घरों में लोगों तक जाते हैं, वहां तक भी नहीं छपती वो योजनाएं। तो ये जो दिल्ली के विज्ञापन है वो दिए कैसे जाते हैं? साथी दिल्ली के जो विज्ञापन है वो बहुत बड़ा खेल है, वो इतना बड़ा खेल है अगर उस पर हम बैठेंगे तो 2-6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, इतना बड़ा खेल है वो। विज्ञापन का जो दायरा है वो खत्म कर दिया है सरकार ने। दायरा से मतलब? दायरा ये था कि स्मॉल अखबारों को इतना विज्ञापन जाएगा, मीडियम अखबारों को इतना विज्ञापन जाएगा, वो जा ही नहीं रहा। अच्छा हाँ, सरकार उस पैसे को दूसरे राज्यों में लगाए जा रही है। तो विज्ञापन दे कैसे रही? किस तरीके से विज्ञापन आ रहा है? कुछ अखबार में तो आ ही रहा है, किस तरीके से? शीला दीक्षित जी ने जब देखा कि स्मॉल और मीडियम अखबारों को विज्ञापन प्रॉपर जाना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि जो साप्ताहिक, मंथली या वीकली अखबार होते थे उन दिनों जो प्रकाशित होते अच्छी संख्या में, उनको 12 से 14 ऐड मिलते थे साल में। अच्छा, आज दैनिक अखबारों को प्रति 12 ऐड नहीं मिलते, 2 ऐड पीएम सरकार देने में डरती है। और वो सरकारी जो विज्ञापन का बजट होता है, जो करोड़ों रुपए होता है, वो दूसरी जगह बैठ जाता है जाके। तो इस दिल्ली में क्या हालत हो रही है पता है आपको स्वाति? दिल्ली में जितने भी अखबार निकलते हैं उनको विज्ञापन, अभी सरकार से हम सवाल करेंगे, हम आरटीए लगाई है सरकार में स्वाति, हम पूछ रहे हैं बताइए आपने स्मॉल और मीडियम अखबारों को कितना विज्ञापन दिया? सरकार दिया ही नहीं है। सरकार ने तो सारा स्टेट का मीडिया का बजट दूसरे देश में दे दिया, दूसरे कंट्रीज में दे दिया, और सबसे बड़ी बात है। तो ये जो सरकार है दिल्ली की सरकार, ये जो नीतियां बनाई हुई है, सो लग ही रहा है कि दुरुपयोग तो हो रहा है, पर कितना उपयोग, कितना दुरुपयोग हो रहा है? स्वाति आप देख लो दिल्ली के अखबार पढ़ते, आप दिल्ली के आप प्रेस क्लब जाती हो, प्रेस क्लब में सारे अखबार होते हैं स्वाति, आप एनएमसी जाती हो, दुनिया भर के अखबार होते हैं, कितने विज्ञापन केजरीवाल जी दे रहे हैं। आपके पास विदेश के अखबारों को देने के लिए पैसा है, और देश के तो छोड़ दो आप अपने स्टेट के आपने विज्ञापन कितना दिया अपने अखबारों को? सारे लोग परेशान हैं, सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रही है केजरीवाल सरकार स्वाति, खुलेआम दुरुपयोग कर रही है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तो अपील कर रहा हूँ मीडिया, स्मॉल मीडिया से और मध्यम मीडिया से, आप मोर्चा खोलिए सरकार के खिलाफ, आपका पैसा दूसरे देश में जा रहा है। बिल्कुल भाई, अगर नीतियां बनाई गई हैं और नीतियों का दुरुपयोग हो रहा है, हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा, और लाभ तो छोड़िए गलत हो रहा है, तो उसके लिए तो आवाज उठानी चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। लोगों तक सच में योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा, उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस तरह से इस्तेमाल गलत हो रहा है कि उसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। करोड़ों रुपए का घोटाला इस इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में जो विज्ञापन के नाम पे हो रहा है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, किसी सरकार का ध्यान नहीं है, शराब नीति पे लग गया। शराब नीति से बड़ा घोटाला अगर आप जांच करोगे ना सरकार की, तो पता चलेगा आपको कि सबसे बड़ा घोटाला तो यहाँ है। आम आदमी पार्टी का, आम आदमी का जो विज्ञापन है वो पूरे देश में छप रहा है। अरे भैया, तुम दिल्ली सरकार का पैसा आम आदमी पार्टी पे खर्च कर रहे हो क्यों? सवाल है, केजरीवाल जवाब दे मुझे इस बात का, क्यों कर रहे हो आप? भैया आप दिल्ली की योजनाओं का पैसा दिल्ली में लगाइए ना, दिल्ली के अखबारों को विज्ञापन दीजिए, आप क्यों बांट रहे हैं पूरे देश में? आप एक स्टेट में अपनी सरकार चला रहे हैं, उस स्टेट में आप उसका पब्लिसिटी करिए। आपको आम आदमी पार्टी को पूरे देश की पार्टी बनाना है ना, तो आम आदमी पार्टी का बजट बनाइए ना,
विज्ञापनों का बजट क्यों बनाया जा रहा है सरकारी विज्ञापनों से, क्यों आप अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। तो मुकेश जी, इस चर्चा को हम आगे बिल्कुल लेकर जाएंगे। आज का एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल शाम को फिर 6 बजे हम इस चर्चा को जारी रखेंगे हमारे पब्लिक एशिया के चैनल पर। और हाँ, ये चर्चा आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।